अक्सर मैंने देखा है कि जिनका निम्न स्तर होता है और जिनका मध्यम वर्गीय परिवार होता है, उनके अंदर उनके घर में बहुत ज़्यादा ढेर होता है सामान का। प्लास्टिक का सामान तो बहुत ज़्यादा भरा रहता है, कोई सी डिब्बे, कोई अलमारी, जगह जगह प्लास्टिक का सामान उनके घर में होता है। तो मैं आज आपको संदेश देना चाहूँगी कि अपने घर से सामान कम, जिस दिन आप कम कर देंगे और जिस दिन आप प्लास्टिक का सामान लाना बंद कर देंगे, तो आपके घर में खुशहाली आती रहेगी और पैसे वाले भी आप बहुत जल्दी बन जाएंगे। आपकी गरीबी का एक कारण मुख्य ये भी है कि आपके घर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सामान है जो अवेरने में नहीं आता है, जो बिखरा रहता है, जो इधर इधर उधर पड़ा रहता है और जो आपकी संपन्नता के नाम पर बहुत गहरा धब्बा है। तो आप संपन्नता अगर चाहते हैं तो ये सामान लाना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप ये काम करेंगे ना, तो उस दिन आपके घर की तरक्की होने लगेगी, आपके घर में पैसा आने लगेगा, पैसा टिकने लगेगा। डिब्बों का साइज़ भी मैंने देखा है कि छोटा बड़ा होता है, एक साइज़ के डिब्बे भी नहीं होते, डिब्बों पे मिट्टी की गर्त छाई हुई होती है। तो ऐसा कई कई घरों में मैंने देखा है, तो ये अशुभ होता है। और अगर आपको घर की सफाई मतलब करनी है तो आप शनिवार के दिन या अमावस के दिन करिए, मैनेज करके रखिए अपनी रसोई को। रसोई से ही आपका व्यक्तित्व महान बनता है और रसोई से ही आपकी पहचान होती है। तो जिस रसोई में आप प्लास्टिक के डिब्बे होंगे, तो वहाँ पैसे के लिए मारामारी बहुत ज़्यादा होती है। डिब्बे में पैसे भी नहीं छुपाने चाहिए। औरतें डिब्बे में 100 का नोट, 500 का नोट छुपाती हैं, ये बहुत ही गलत होता है और इससे प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, बल्कि गरीबी विद्यमान रहती है और बरकरार रहती है। तो आपको चाहिए कि एक तो आप ये काम करें कि अपने घर जो फटे हुए नोट हैं उस पर टेप चिपकाना बंद करें, दूसरा आप डिब्बों में नोट छुपाना बंद करें, तीसरा आप हस्बैंड की जेब से चोरी करना बंद करें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इसको चोरी नहीं मानती हैं, अपना हक मानती हैं, लेकिन चोरी तो चोरी ही है और किसी भी रूप में की जाए। तो ये काम भी आप बंद कर दीजिए और इसको अदरवाइज मत लेना, अपने पे मतलब लेके नाराज़ भी मत होना। मैं आपकी हितैषी हूँ और आपका भला चाहती हूँ, इसीलिए सलाह दे रही हूँ। मानना ना मानना आपके हाथ में है। प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में अगर आप गर्म चीज़ भरते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो प्लास्टिक का सामान बंद कर दीजिए और एल्यूमिनियम का सामान भी लाना बंद कर दीजिए। ये काम आप जिस दिन करेंगे, उस दिन आपका घर खुशहाल होगा, उस दिन आपके घर में पैसा आएगा, उस दिन से आपकी बरकत और तरक्की चालू हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना। और मेरे यूट्यूब पर 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, जिनको देखने के लिए डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए, मेरी जो सारी वीडियो हैं आपके सामने आ जाएंगी, या कुछ वीडियो आपके सामने आ जाएंगी जो आपका मार्गदर्शन करेंगी। कैसी भी समस्या हो उसका समाधान आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं, मेरे हस्बैंड से भी ज्योतिषीय परामर्श मतलब लामा फेरा, रेकी हीलिंग या एंजल हीलिंग संबंधी परामर्श ले सकते हैं। मैं ज्योतिष पर काम करती हूँ, 23-24 साल हो गए हैं मुझे ज्योतिष पर काम करते हुए और अनगिनत लोगों का मैं भला कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है। आपको भी अगर कोई समस्या सता रही है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए। ये सर्विस चार्जेबल होती है मित्रों। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये हमारा प्रोफेशन है, तो हमारे प्रोफेशन की लाज आपको रखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से ही आपको हमसे परामर्श लेना पड़ेगा। आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।